साथ आप अभी छोड़ते हो आप चल लो आप तीनों में से कोई भी चल लो यार मेरी हेल्प हो जाएगी खूबसूरत आप सब गए होंगे हनीमून पे गए आप सब नहीं गए कुआई से जाने की मतलब शहद जैसी बीवी मीठी बीवी और मून मतलब चांद वो अपनी बीवी को चांद शादी के बाद हनीमून पर जाना क्यों जरूरी बताओ शादी का मतलब ही धमाल और मस्ती से तो हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे जैसे प्रैंक्स में दोस्तों तुम्हारे अभी से कड़क वीडियो लेके आया गया जिसका एक्शन बहुत ही ज्यादा मस्त आया हुआ था वो क्या करना है वीडियो पूरा देखना है स्किप मत करना बिल्कुल भी और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में एक्सक्यूज मी हाय गाइस हेलो आपका नाम क्या काजल आपका शिव आपका आप तीनों क्यूट लग रहे हो वैसे यार आप भूल गए मैं क्या बोलना था आप सभी खूबसूरती देख के मैं भूल गया क्या पूछने आ रहा था आपसे हाँ यार एक ना क्वेश्चन है इसमें आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए डाउट क्लियर कर दो मेरा एक्चुअली मैंने कहीं बाहर गया हुआ था किसी की शादी में मेरे फ्रेंड की शादी थी मेरे से काफ़ी बड़ा है मतलब मैं तो छोटा हूँ मेरे से काफ़ी बड़ा है मतलब मेरे भाई का दोस्त है तो शादी में गया हुआ था तो लाइक ना उसके शादी होने के 4-5 दिन बाद ना शायद वो कहीं बाहर जा रहे थे उनकी अपना फैमिली में डिस्कस चल रहा था फैमिली साथ उनके बीच ही डिस्कस चल रहा था तो ना यार मैं भी वहाँ पर चला गया गलती से एंटर कर गया अंदर तो उन्होंने वो बोले सर हनीमून की कुछ बात कर रहे थे कि हनीमून पे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना हंस क्यों रहे आप सर सर वहाँ पर जाके मैंने ये बोल दिया ना कि भाभी को मैं लेके जाऊँगा पहले हनीमून पे सर आप उन्होंने को मारा बहुत ज़्यादा काम क्या करते मैंने यही तो बोला उन्होंने बोला घूमने जा रहे हैं बोला कि मैं लेके चला जाता हूँ भाभी नहीं आई है वो होना जाके मैं लेके चला जाता हूँ या फिर उनके साथ मैं सरकारी लग नहीं रहा क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ के इतना ना पता हो तो कौन से सरकारी स्कूल में पढ़े हो आप क्या पता ना मतलब कि हनीमून क्या यार वही तो समझ में नहीं आया मारा क्यों इस बात के लिए घर वालों ने नहीं बताया आपको नहीं स्कूल में नहीं बताया हनीमून क्या होता दोस्तों ने नहीं बताया किसी ने उन्होंने बोला कि ना जाके किसी और से पूछो मार के भगा दिया यार वहीं से ना मैं आ रहा था आप सबसे पूछना आप तीनों खूबसूरत आप सब गए होंगे हनीमून पे गए आप सब अभी तक तो नहीं गए मैं नहीं गया यार वही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप मेरी हेल्प करो चल लो मेरे साथ आप चल लो आप तीनों में से कोई भी चल लो यार मेरी हेल्प हो जाएगी नहीं नहीं शादी कर रहा हूँ मैम अगर बुरा लगा तो सॉरी उसके लिए यार वो पता नहीं है और किसके साथ जाना है मैं डिसाइड भी करना होता है इसको ऑब्वियसली बात है इतना मतलब काम होता है यार मन में क्या हुआ उसका वहाँ से निकला घर पे गया पहले मैं लेके जाऊंगा भाभी को हनीमून पे उन्होंने को मार मार के ना भगा दिया लाइन लाइन तो यार हनीमून होता क्या मेरे को पता नहीं ना तो उन्होंने मेरे को फालतू में मारा पहली बात हनीमून में क्या आता है हनी और मून और मून हां हनीमून हिंदी में क्या बोलते हैं शहद शहद मून क्या बोलते हैं चांद शहद चांद होता वो तो बोले तो कुछ होता है वहां पे जाकर कुछ होता है पता नहीं क्या क्या बोला अच्छा हुआ तो क्राइम पेट्रोल में भी आ जाएगा अब जाओ भाभी के साथ अरे तो उन्होंने मार के भगा दिया भाई मैं समझ में नहीं आया उन्होंने मार ले जाओ भगा कैसे ले जाओ नहीं कौन सी क्लास में हो बेटा मैं हाँ। मैं भी फर्स्ट ईयर में हूं वैसे फर्स्ट ईयर हां झूठ नहीं सही में फर्स्ट ईयर में हम ऐसे जज नहीं करते जज नहीं करते जज करने वाली बात क्या पर इसमें चलो ठीक है मतलब कि वही तो बता दो ना हनीमून का मतलब क्या होता है मतलब उसने उनको मार के वो समझ में नहीं आया पागल हो गए पागल हो गए अरे हाँ उन्होंने तो मेरे को मारा मैंने बोला कि भाभी को मैं लेके जाऊंगा मैंने गलती से अपने बड़े भाई के सामने बोल दिया उसने और चटका दिया मेरे को अच्छी बात है ना आप अपने तो मार क्यों रहे मेरे को अरे गर्लफ्रेंड बनाई है कभी पहले गर्लफ्रेंड बना लो उसके बाद फिर वो इनपे जाना पड़ेगा गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी आपको अच्छा ऐसा भी होता है बनानी पड़ेगी यार मतलब कहीं देखो वो बेसिकली वो जाते घूमने ही है ठीक है घूमने जाते हैं ना वो बाहर की तरफ तो वो घूमने जा रहे हैं ऐसा क्यों नहीं बोलता शादी के बाद अपनी बीवी को चांद पे लेके जाते चांद पे हाँ हनी मतलब शहद जैसी बीवी मीठी बीवी और मून मतलब चांद वो अपनी बीवी को चांद पे लेके जाते हैं अच्छा ऐसा होता है हनी आप गए हो चांद पे मैं नहीं गया तो जाओ ना आशा के पास बोलो चांद पे पहुंच गई यार आप सब हंसुर मजाक उड़ा रहे हो आप नहीं मजाक मजाक मुझे समझ में नहीं आ रहा मालूम गलती से दोबारा ना पूछो मैं भाई उसने पहले सोच के जाना चाहता क्या आपको बताती हूँ आप ऐसा करो या तो आप ये चीजें अपने फ्रेंड से पूछो क्योंकि हम तो गए नहीं है हमें पता नहीं है ना हमारी अभी शादी हुई है शादी नहीं हुई ना ना उनकी तो शादी हो गई थी मेरी नहीं हुई यार तो शादी हां तो आप अपनी फ्रेंड से या किसी भाई से पूछो लो यार और ज्यादा से ज्यादा नेट नहीं चल रहा गूगल तो है ना अरे मैं आपको हॉटस्पॉट दे दूंगी यार आप ही करके बता दो ऑडियो करियो ऑडियो में करियो ताकि वो ऑडियो में बोले
कोई अगर यहाँ से कोई फील बोल व्हाट इज हनी व्हाट इज हनीमून गूगल पे भी होता है सब चीज़ अरे भैया फर्स्ट ईयर में पता नहीं ना मैं ध्यान नहीं देना चीज़ों पर काफ़ी पढ़ाई में ज़्यादा वो होता था हिंदी में बोलो इंग्लिश में वो उसमें ना हिंदी मीडियम से हूँ इंग्लिश मीडियम से कहाँ हो आप मैं यहीं पे हूँ क्या कहाँ है आपके बगल में खड़ा हूँ यार यहाँ पे सही में नहीं चल रहा यार मैंने बहुत बार ट्राई करा यहाँ पे सर्च कर करके पागल हो गया गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी मतलब पहले गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी मैंने एक दो लोगों से पूछा उन्होंने पहले शादी करो जब हनीमून पे जा सकते हो गर्लफ्रेंड पहले पढ़ाई करो फिर गर्लफ्रेंड बनाओ फिर अच्छा मैम मैम क्यों नहीं बोल रही है गूंगी है क्या मैम फालतू बात है मैं भी आपसे सहमत हूँ फालतू बात है सही में मैडम को खुद ही नहीं पता मैडम को भी गई नहीं इसलिए अच्छा मतलब आप ना गई नहीं हो एक बार भी ना इसलिए नहीं पता आपको अरे होता क्या हनीमून में समझ में नहीं आ रहा था हनीमून और होता क्या वहां मम्मी से मारेंगे पकड़ के जैसे भाई ने मारा भाई से पूछा भाई ने मारना वैसे वो भी मारेगा सबने मारा मेरे को बस आप ही तीनों ने नहीं मारा वो आप तीनों बहुत अच्छे हो ना इसलिए नहीं मारा क्यूट भी ना आप ना बस हम सहन कर रहे हो मतलब गलत बात होती है क्या किसी और से शादी के बाद हनीमून पर जाना क्यों जरूरी है बता दो यार गूगल करके बता रही है पढ़ी भी नहीं है मतलब ना हम गए ये थोड़ा सीखना हम स्कूल जाते बताओ 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 शादी के बाद हनीमून पर जाना एक ट्रेंड बनता जा रहा है कुछ साल पहले तक ये केवल देश तक ही सीमित था लेकिन अब लोग हनीमून मनाने के लिए दूसरे देशों में भी जाने लगे दूसरे देशों में भी जाते हैं हनीमून वैष्णो देवी वो तो कहीं पता नहीं कहीं और जा रहे थे लोगों को नहीं पता भाई तो पूछो वैष्णो देवी की वो मैंने मतलब जैसे आप बोलो ना जा सकते हैं वैसे मैंने वहीं पे ये बात बोली थी भैया को एक मिनट बात क्लियर करने दो मेरे को पहले बात क्लियर करने दो यार गलत बात है आपकी मीनिंग बता रही हूं तो सुनना नहीं है बंदा जानना ही नहीं चाहता ठीक है ठीक है मैं सुनना तुम सब जीते मैं हार गया तुम बताओ हनीमून पे जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो वक्त होता है जब दो लोग एक दूसरे पर भरोसा कायम करते हैं इसके अलावा मतलब पहले भरोसा नहीं होता कोई भी वजह है हाँ शादी का मतलब ही धमाल और मस्ती से ये वो वक्त होता है अरे सुनो मैं नहीं बोल रहा पढ़ाई में कम ध्यान था भागने कूदने में ज्यादा ध्यान था खेल कूद में अच्छा बताओ बताओ कंटिन्यू वो वक्त होता है जब आप अपने पार्टनर को इस बात पर कब भरोसा दिलाते हैं कि आप जिंदगी भर उसका हाथ और उसका साथ नहीं छोड़ेंगे ओके ये इंपॉर्टेंट टॉक्स करने के लिए ही जाना होता है मम्मी पापा के पास बैठो आराम से दो कप चाय बनाओ खुद पियो उन्हें पिलाओ और पूछो कि मम्मी मैं कब हनीमून पे जाऊंगा या कब मैं लीगल हो जाऊंगा हनीमून पे जाऊंगा लीगल भी होना पड़ता है लीगल भी तो होना पड़ता है और क्या मतलब लीगल क्या समझ में नहीं आया को मतलब डाउट क्लियर नहीं हुआ ना मेन दिक्कत ये है डाउट क्लियर कर दो मैं जा रहा हूँ फिर एक हेल्प बोलूं हम भी बहुत डाउट में क्या हनीमून आपको देख के तो हम खुद तो खुद ही डाउट कर रहे हैं मैं बेकार लग रहा हूं क्या नहीं 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 आप बहुत हैंडसम लग रहे हो थैंक यू सो मच ओह ये आपने तो वैसे क्यूट लगी रहो आपने तारीफ कर दिया है बहुत खुश हो गया मैं नहीं जा सकते घर में ही बात कर ले भरोसा जीतने नहीं देते देखो जब शादी होती है ना उसके बाद रिश्तेदार इतने इकट्ठे हो जाते हैं फिर उनको कपड़े दो पैसे दो मिठाइयां दो बेचारों के लिए टाइम नहीं होता ना इसलिए वो बात करने के लिए थोड़ा अलग जाना चाहते हैं दिमाग नहीं खराब हो रहा हमसे इतनी बकवास यार मेरे को समझ में नहीं आना मेरे को मतलब ना मेन मुद्दा ये पता नहीं चला कि ना हनीमून पे होता क्या है मेरे को समझ में नहीं अच्छा वो बताओ जैसे हम वो जा रहे थे मेरी बात सुन मेरे हमने जितना बता था हम जाएंगे तब हम आपको पक्का बताएंगे अपना नंबर दे दो आप अपना नंबर दे दो आप दो आप अपना कुछ भी दे दो इस टाइप ही दे दो नंबर नंबर दे दो अपना नंबर दो देखो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है आपने यहाँ पे टाइप कर दो नेटवर्क नहीं चाहिए नंबर यार आप दे दो ना इस पे टाइप कर दो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे को मारो उन्होंने दे दिया देखो उन्होंने दे दिया हम कुत्ते हम काटते हैं कुत्ते नहीं कुत्ता तो मैं हूँ आप वो हो गए ना फीमेल हो ना मतलब कुतिया जा रहा हूँ आप सब खड़े हो जाओ मैं जा रहा हूँ आप खड़े हो जाओ मैं जा रहा हूँ आपने बताया नहीं पर हनीमून हमें खुद नहीं पता यार आप तीनों गए हुए हो ना ये मैम गई हुई है ये मैम है बाय बाय
तुम ये बताओ, जैसे जो कहीं बाहर जा रहे हो तो वो हनीमून क्यों बोलते हैं? ऐसे भी तो हो सकता है कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, वो हनीमून बोल के क्यों जाते हैं? यार ये ना प्राचीन काल से चला आ रहा है, यू नो, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये बाहर दूर देशों की सभ्यता है। अच्छा सुनो 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 सुनो, जाओ मत करो, जाओ बेसिकली ना मैं मजाक कर रहा हूँ, देर से मेरे को पता है तुम लोगों क्या होता है, आई कर दे मैं क्या मेरी तबीयत पता है, गुस्सा क्यों कर रहा हूँ यार, हाई तो कर दो, हाई तो कर दो, हाई तो कर दो, वीडियो डाल सकता हूँ अपने चैनल पे, यूट्यूब अपने चैनल पे वीडियो डाल सकता हूँ। तो उम्मीद से दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और यार आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, मोटिवेशन मिलता है तो ऐसा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अच्छी लगेगी तो करो कोई, और कमेंट से बताना वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में फिर अच्छी वीडियो के साथ।